बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश बश होंगे, सर्दी से बचे होंगे। और व्यूअर्स, आज का ब्लॉग आप शुरू करते हैं। ब्लॉग में ये इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त सेकेंड टाइम हो चुका है दिन का, और मॉर्निंग में थोड़ी बिजी थी इसलिए आज वीडियो नहीं बना सकी, सॉरी माजरत। और अभी मैं बना रही थी कि दिन को देखे मैंने दो दफ़ा झाड़ू लगाया, अभी फिर से सारा सीन गंदा कर दिया इन मुर्गों ने, मुर्गियों को, इसलिए मैं सुबह दाना डाल के बाहर निकाल देती हूँ। लेकिन अभी फिर से वो घर पे आई थी दिन के वक्त, फिर से बहुत ही ज़्यादा गंदा कर दिया उन्होंने पूरे सेन को, अभी फिर से झाड़ू लगाने वाला हो गया। तो मेरा दिल है मैं साथ झाड़ू लगाऊँ, साथ में ऐप लगाऊँ, उसे वीडियो बनाते हैं। और क्यों, मेरे साथ वीडियो बनाने वाला मेरे पास कोई नहीं है, मेरे हस्बैंड इस वक्त काम पर होते हैं, अगर वो काम पर ना हो तो शायद वो बना दें, शायद, कन्फर्म नहीं। वो कहते हैं मुझे शर्म आती है, मैंने नहीं बनाना वीडियो। वो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जल्द आपको दिखाएंगे। बाकी मेरा बेटा है अहमद, आज संडे था, छुट्टी का दिन है, और छुट्टी के दिन वो मौज मस्ती में लगा हुआ, बस घूम फिर रहा है, अपने दोस्त के साथ खेल रहा है छत पे। अभी मैंने उसको मना किया कि यहाँ से पीछे हो जो, गिर ना जाना, क्यों ईंटें लगी हुई हैं, कौन सा यहाँ पर दूसरा कुछ ऑप्शन हुआ। और मेरा घर बहुत छोटा सा है, गरीब खाना है मेरा, देख सकते हैं आप घर मेरा। और अभी मजदूर बंदे का आप लोगों को पता है कि इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो अपने घर को सेट कर सकें। बाकी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह मेरा घर भी अच्छा हो जाएगा और मेरे हालात भी अच्छे हो जाएंगे। मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, आपको मैंने उस दिन भी बताया था। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे लाइक शेयर कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हालात अच्छे से अच्छे होते जाएंगे। अभी खाने की तैयारी करनी है तो अहमद के पापा का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएँ कुछ पकाने के लिए, लेके आए तो फिर कुछ पकाएं, तो सब कुछ उन्होंने लेके आना है तो फिर ही बनाना है, अभी वैसे तो है नहीं है कुछ भी। बाकी घर का काम वगैरह करके हम तो फ्री हो चुके हैं, अब सब खाने की तैयारी करनी है जब वो लेके आएंगे तो उनसे। और अभी मेरा दिल है झाड़ू लगा ही लूँ क्योंकि टाइम फिर नहीं रहेगा पास अपने, झाड़ू लगाएंगे तो फिर ही कुछ बनेगा। हाँ जी व्यूअर्स, नहीं अब साथ साथ झाड़ू लगाते हैं, साथ साथ अपनी वीडियो बनाते हैं, व्लॉग बनाते जाएंगे और साथ साथ आपसे शेयर करते जाएंगे। आप लोगों की प्यार और मोहब्बत मिलेगा, आप लोगों की सपोर्ट होगी तो हम इंशाल्लाह कुछ अच्छा भी करके दिखाएंगे। क्यों, मेरे पास ना तो कोई स्टैंड है, ना कोई अच्छा मोबाइल है कि मैं कहूँ कि मैं एडिट करके अपनी वीडियोस पे बनाऊँगी, मेरा एडिट करना भी बहुत मुश्किल है। मेरे पास सिंपल सा मोबाइल है, बस जस्ट यूट्यूब पे सिंपल वीडियो बना लो, कुछ एडिशन नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बाकी अल्लाह ने चाहा तो जब कुछ अच्छा मोबाइल वगैरह होगा या कुछ लेंगे, लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर वगैरह पीसी, उससे अच्छा अल्लाह करेगा कुछ ना कुछ कर लेंगे। अभी तो जी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, आप लोगों को मैं कैसे दिखाऊँ कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, आवाज़ तो आप लोगों को आ रही होगी। बाकी आप लोगों की गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें। अहमद के पापा अभी तक नहीं आ रहे हैं, आज देख रहे हैं हम थोड़े लेट हो रहे हैं काम से, अल्लाह करे जल्दी आ जाएँ ताकि कुछ खाने को बनाने के लिए ले आए तो हम उसकी तैयारी करें खाना बनाने की। अहमद का तो दिल था कि आज फिश लेके आते हैं, अब देखते हैं अहमद के पापा क्या लेके आते हैं, फिश ही लेके आते हैं कुछ और। कल अभी अहमद ने फरमाइश की थी अपने पापा से कि मेरे लिए फिश लेके आए, मैंने फिश खानी है, अभी देखते हैं जैसे उन्हें काम से छुट्टी होगी आते हुए पैसे वहाँ से ले कर तो साथ में कुछ ले आएंगे पकाने के लिए। एक ही तो हमारा बेटा है, उनकी कोशिश यही होती है कि वो कोई फरमाइश करे तो हम उसकी फरमाइश को रद्द ना करें, पूरी कोशिश करें कि उसको जो मांगता खाने के लिए वो दे दें, जो भी मांगे। जी बिल्कुल, झाड़ू लग गए, अब मैं हाथ धोने के लिए आई हूँ नलके पे, पीछे आप मेरे देख रहे जुराबे लटकी हुई हैं, आज धूप निकली थी तो मैं कहती हूँ कुछ गर्म कपड़े वगैरह धो के भी गा देते हैं, कल तक अल्लाह किया तो सूख जाएंगे।
कुछ धो लिए हैं। पूछा अहमद के पापा सुबह कह गए थे कि बहुत ज्यादा नहीं धोना, ये ना रात को तबीयत खराब करके बैठ जाओ। बस अल्लाह ने चाहा ना तो कुछ अच्छा ही होगा। अभी मैं रूम में जा रही हूँ। इस वक्त पता नहीं कब आएगी और कब नहीं। देखें जी, ये मेरे दो चूजे हैं, एक वो मुर्गी है और डॉगी भी शायद आपको नजर आ रहा होगा वीडियो में। बाकी जो है वो बाहर गए हुए हैं दाना वगैरह खाने के लिए। दाना वगैरह खा के भी इनके वापस आने का आहिस्ता आहिस्ता टाइम हो रहा है। देखते हैं क्या बनता है। ओके व्यूअर्स, आज का ब्लॉग अभी यहीं तक। अभी मैं मतलब कुछ छत से नीचे बुलाऊँ, उसको बोलूँ कि जर्सी वगैरह पहन ले, तो फिर जो है वो करते हैं कुछ। कुछ जर्सी नहीं पहन रहा अपने दोस्त को, छत पे धूप खेल रहा है धूप में। बस उसे कुछ नहीं चाहिए, उसका दोस्त भी उसके जितना ही है, छोटा ही है, वो भी छोटा ही है। दोनों बस जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर खाना भी भूल जाता है, ठंड भी भूल जाती है, सब कुछ भूल जाते हैं। वैसे इतना तंग करता रहता है घर में। कल इंशाल्लाह स्कूल जाएगा, जो मंडे है, आज तो वीकेंड था, लास्ट डे था। कल इंशाल्लाह स्कूल जाएगा। तो अभी का ब्लॉग भी बस यहाँ था कि नेक्स्ट जब अहमद के पापा आएंगे, देखते हैं वो क्या लेके आते हैं पकाने के लिए, फिर आपसे वीडियो शेयर करेंगे और देखेंगे और साथ में खाना बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।